हर घर तिरंगा अभियान का गांव रामपुरा में भी हुआ आगाज। एक ओर जहां हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रेवाड़ी शहर में हर वर्ग में जोश व उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र भी इस अभियान में पीछे नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां गांव रामपुरा के सरपंच नरेश यादव उर्फ नर्रू के कार्यालय के बाहर तिरंगा लेने के लिए ग्रामीणों की लाइन लगी है। सरपंच नरेश यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत ग्राम पंचायत रामपुरा की ओर से तिरंगा झंडा वितरित किया जा रहा है और ग्रामीणों से हर घर तिरंगा लहराने की बात भी कही जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीणों से तिरंगे के सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए, ये भी कहा जा रहा है। सरपंच नरेश यादव ने बताया कि 15 अगस्त को गांव रामपुरा में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गांव की सबसे पढ़ी लिखी बेटी तिरंगा फहराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में भागीदार बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया जाएगा। नमस्कार, मैं सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सरकार की तरफ से हर घर झंडा लहराने का प्रोग्राम है। उसमें हमारी पंचायत ने सभी को मुफ्त में हर घर एक झंडा लगाने के लिए आह्वान किया है। हम हर घर में एक झंडा देंगे और उनसे कहेंगे कि झंडे का मान सम्मान रखें। झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, सभी अपने हर घर की छतों पे झंडा लगाने के लिए हमने कहा है। 15 अगस्त का प्रोग्राम है, गांव के अंदर जो सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई बेटी है उस बेटी से झंडा फहराया जाएगा और सभी बच्चों का वहाँ प्रोग्राम भी रखा गया है, उनका उत्साह बढ़ाया।